सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश में रहते हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती है कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है, ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है, उनके कुछ विशेष गुण होते हैं जो आपको दूसरे व्यक्ति में नहीं मिलेगा। हो सकता है जो कार्य वो व्यक्ति कर सकता है शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाए। उसी प्रकार जैसे सुई और तलवार दोनों धातु की बनी होती है, किंतु यदि आप ये सोच रहे हैं कि दोनों में तलवार अधिक श्रेष्ठ है, तलवार अधिक उपयोगी है, तो ये कहना भी गलत होगा। अगर आपके वस्त्र फट जाते हैं तो उस तलवार से आप अपने वस्त्र नहीं सिल सकते, उसके लिए आपको सुई का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए खुद को किसी से तुलना करके स्वयं को हीन समय लेना ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वो ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय आने की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण आपकी महत्ता अवश्य बाहर आएगी। तो इन बातों पर अवश्य विचार कीजिएगा। राधे राधे।